टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल का देखने के लिए, उनका एडमिशन करवाने के लिए। कुछ स्कूल्स हम जो है वो आज विजिट करेंगे। आज हमारा ये है कि चलो जाके देखते हैं, पूछते हैं उनका क्या क्राइटेरिया है सब कुछ, और हर चीज़ ना पता चले। वैसे तो अरशमान स्कूल जाता है, लेकिन जावियर का एडमिशन अभी हमने करवाना है, वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगा। तो खैर हमने कहा चलो आज जो है ना, आज अदील के पास थोड़ा टाइम था, तो आज हम जाके ज़रा स्कूल विज़िट कर लेते हैं। सब जो जो मतलब हमारी लिस्ट में है वो स्कूल हम आज विज़िट करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। अल्लाह बेहतर करे जो भी हो। कोई एडमिशन का अगर नहीं होता तो शायद जहाँ पे बच्चे पढ़े शायद वहीं पर पढ़ते रहें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ना उनका स्कूल चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जितनी जो है ना उनकी फ़ी है उस लिहाज से जो है ना आउटकम हमें नज़र नहीं आया अरशमान का ना। वैसे माशाल्लाह वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ख़ुद से वो बहुत अच्छा है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि ना उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो वो माशाल्लाह ख़ुद बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। जाएंगे विज़िट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो आप लोगों की मैंने सोचा साथ लेके चलती हूँ। तो बस अभी नाश्ता किया है, तो अब मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ और फिर रेडी होती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने ये न्यू वाले ड्रेस ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मैं अभी नए ही लेकर आई थी और मैंने आप लोगों को दिखाए थे। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख ले, शॉपिंग हॉल वीडियो। तो बस अब चलते हैं। अभी हम आए हैं इधर स्कूल में, अब पता करते हैं अंदर जाके तो क्या है। हमने विज़िट कर लिया स्कूल, अच्छा लगा, और जो हेड थी वो भी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से उसने हमें ट्रीट किया, बड़ा अच्छा लगा। जो जो हमने पूछा सब बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अब दूसरे स्कूल में आए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वैसे तो वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फाइनल तो अब बाद में ही करेंगे, पहले सब विज़िट कर लें। तो अब हम दूसरे जगह पर आए हैं, अब यहाँ चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जी हम चले गए बीकन हाउस में, और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ हुआ था, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस तरह ही, मतलब और था भी बहुत ही बड़ा ना। मतलब ये एक बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ना, इस तरह की तीन चार बिल्डिंग्स और बनी हुई थी इसकी बैक साइड पर भी, और अंदर से भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा बना हुआ था। ये देखिए मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था अंदर से, और ये जो है वो बाहर बच्चों का प्ले एरिया वगैरह बना हुआ था। क्लासेस हमने विज़िट की, हमने उनसे पूछा वगैरह, सब अच्छा था। तो क्लासेस उसी तरह थी जिस तरह मतलब होती है। तो फिर हम ये एक और स्कूल में आ गए थे, इनका जो है वो बाहर से बिल्डिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, मेंटेन भी अच्छा हुआ हुआ था। बस इसका मुझे जो है वो ज़रा हेड वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगी, उनके बात करने का तरीका, उस चीज़ पर बड़ा डिपेंड होता है बंदा ना, कि कोई अगला आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। तो बस इसके बाद जो है हम एक और स्कूल विज़िट किया, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था, इसकी बिल्डिंग अच्छी थी और अच्छे से मेंटेन हुआ हुआ था, टीचर्स वगैरह भी अच्छी थी। तो बस हमने इधर से थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह की, पूछा वगैरह, फिर क्लासेस भी मैंने विज़िट की, क्लासेस भी बहुत अच्छी थी। तो बस इसके बाद हम घर चले गए। फाइनली जी हम घर आ गए और विज़िट कर लिया, हमने दो तीन स्कूल्स विज़िट किए हैं, अच्छा लगा है उनका सिस्टम, कुछ का नहीं अच्छा लगा, तो मैं नाम नहीं लूँगी कि जिनका नहीं अच्छा लगा हमें। खैर आप डिसाइड करना है कि कहाँ पे एडमिशन कराया जाए। मुझे जो है वो एक सिटी की बहुत अच्छी ऑप्शन लगी है। तो खैर दो कैंपसेस हैं, हमने दोनों विज़िट किए हैं, तो एक मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा है, तो सोच रहे हैं कि वहाँ पर करवा दें। लेकिन अभी जो है वो, अब आप लोग पूछेंगे कि पहले मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो मेरे बच्चे रूट्स में थे पहले, रूट्स का कैंपस है फ्यूचर वर्ल्ड, उसमें थे। तो मैं चाह रही वहाँ से चेंज करवाना, कि जो है ना मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी उनसे, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि चेंज कराऊँ। अब जावियार ने भी ज़ाहिर है जाना है स्कूल, तो इस वक्त कह रही थी दोनों को इकट्ठे ना एक स्कूल में करवाऊँ। तो खैर अभी देखेंगे कि क्या होता है, बच्चों से भी पूछना है उनका डिसीजन क्या है, अभी डिसाइड करेंगे दोनों के क्या करें, कहाँ करवाएँ कहाँ नहीं करवाएँ। सिस्टम ज़ाहिर है सबका एक जैसा ही होता है, वो तो अच्छा ही होता है सबका, और लेकिन बस ये है कि हमारी रेंज में जो है जो नहीं है, और आने जाने का भी जो है वो प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है जावियार को जल्दी छुट्टी हो जाएगी, अरशमान को लेट होगी, और फिर बंदा आना जाना हर टाइम तो नहीं कर सकता, जो हमारे ज़्यादा अप्रोच में हुआ। तो उसी में कहेंगे मैंने पंखा नहीं लगाया, पसीने आ रहे।
बस अभी वापस आए हैं और अब काम शाम स्टार्ट करते हैं, घर के काम, बाहर के काम तो हमारे हो गए। बस इंशाल्लाह अब जल्दी इन दोनों का एडमिशन भी हो जाएगा, तो फिर आपको साथ साथ अपडेट भी मिलती रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर अब कपड़े शपड़े जो है वो तय करते हैं। ये देखिए इतना ढेर कपड़ों का लगा पड़ा है, ये भी करना है, सब काम ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो बस अब काम शुरू करते हैं। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, अब हम कपड़े तय करते हैं। ये देखिए कितना ढेर लगा है कपड़ों का। बस जी यहाँ पे मैं कपड़े तय कर लूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे तय करने वाले, अगले दिन मैंने धोए थे। और भाई ये काम जो है ना ख़त्म ही नहीं होते, कपड़े तो ज़िंदगी से कभी ख़त्म ही नहीं होंगे ना। एक तो पहले उनको धो, वैसे ही आजकल इतनी गर्मियाँ हैं इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको समेटो, तय करो, समेटो, अपनी अपनी जगह पर रखो, ये जो है ना मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो खैर बस बच्चे बैठे यहीं पे मेरे पास खेल रहे थे, क्योंकि अदील, अम्मी और मेरी बहन जो है वो गांव गई हुई थी, रिलेटिव की किसी की डेथ हो गई थी तो वो वहाँ गई हुई थी, मैं और बच्चे ही थे घर में। तो बस बच्चे मेरे पास बैठे खेल रहे थे और मैं अपने काम कर रही थी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि बच्चों का जो है वो एडमिशन हो जाए अच्छी जगह पे, और जो भी हो उनके हक़ के लिए बेहतर हो। बस बड़ी टेंशन होती है माँ बाप को, माँ बाप तो चाहते हैं कि अच्छा ही सोचते हैं बच्चों के लिए कि जो भी हो अच्छा हो, जो जहाँ भी एडमिशन करवाएं उनके लिए बेहतरी हो, वो अच्छा अच्छी पढ़ाई करें। तो बस बस यही टेंशन जो है ना मुझे थोड़ी सी हो रही है आजकल के, पता नहीं क्या होगा, हमारा फ़ैसला ठीक होगा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी लाजमी दुआ कीजिएगा, और दुआओं में मुझे भी, मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। तो बस यहाँ से जो है मैं डस्टिंग कर लूँगी, ये बड़े दिनों से मैंने इधर से डस्टिंग नहीं की थी, बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि पता है चीज़ें पड़ी होती है ना तो बंदा रोज़ तो यहाँ से चीज़ें हटा के डस्टिंग नहीं कर सकता। तो वो बस जो है ना थोड़ी सी बिज़ी थी, इस वजह से काम नहीं कर सकी ज़्यादा। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है और आलू गोश्त बने हुए हैं, इधर मैंने अरशमान को खाना रख के दिया था, वो खाना खा रहा था, और जावेर एज यूजल वो खाना नहीं खाता, उसने कहा जी मैंने नहीं खाना खाना, तो अरशमान तो माशाल्लाह खा लेता है। बेबी नूडल्स खा रहा है, शाबाश माशाल्लाह, खा लो मेरा बेबी, यम्मी यम्मी, चलो शाबाश खा लो। अभी वही खाना आ गया हमारा, और खाने में आज है किंग शवारमा, किंग मैंगो फिर से आ गया। और वो जनाब साहब सो गए हैं, तो चलो जी खाएं, पधारिए। पधारिए प्लीज। क्या कहते हो तुम, लोग आपको मिस करते हैं, कहते हैं आप बोलते नहीं हैं व्लॉग में, क्या बोलूं मैं, कुछ तो बोलें प्लीज, मजे लें जो, ये लें प्लीज। कुछ तो बोलें। नहीं इतना ठंडा तो नहीं हुआ, ठीक है चलो फटाफट खा लें, इससे पहले कि ज़्यादा ठंडा हो जाए। बड़े मज़े का है ना, बड़ा डिफरेंस होता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कोई फुल सा हो गया, ये खाया थोड़ा ही जाता है, बस फुल हो जाता हूँ जल्दी। अच्छा अभी तो इतना बड़ा हुआ है, खाओ खाओ तुम खाओ। गांव भी गए थे, गांव से वापस आ रहे, थके नहीं तो पेट तो उतना ही है ना जितनी जगह है उसमें। गांव में पेट थोड़ी भरा हो जाता है। क्यों वहां कुछ खाया पिया था? खाना खाया था हल्का फुल्का। अच्छा मैं तो खा रही हूँ अभी, खैर मेरा भी पेट होने वाला है फुल, लेकिन मैं तो खा रही हूँ। आप फ्राइज ज्यादा खा रहे हो ना शरबत मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये ना नीचे होता है इसके, इस तरह से शवारमा बना हुआ, ये बड़ा ही मजे का होता है, बीच में फ्राइज भी होते हैं और चिकन भी, और ये जो अरेबिक रोटी सी होती है ना शवारमा वो है, और ऊपर भी ये ढला होता है, मतलब फुल जो है ना बंदे को, ये तीन बंदे आराम से खा लेते हैं, ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा होता है कि पेट भर जाता है जल्दी। तीन बंदे आराम से खा लेते हैं, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर एक दिन कल का भी जो है वो एक टाइम का गुजर जाता है।
चले भाई, अब मैं अपना मेकअप उतारती हूँ जो मैंने किया है। तो ये हेलो यहाँ से ये मैंने लिया, क्या इसको कहते हैं, कॉटन। इससे जो है मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। सुबह जो है ना, आज मैंने मेकअप किया था स्कूल जाने के लिए, पूरा दिन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है मेकअप। अब मैं ये लगाती हूँ ब्यूटेनिक का रेटिनॉल सीरम, और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ डार्क सर्कल्स आई क्रीम, ये जो है सईद गनी की। पता नहीं इसके ऊपर ये नाम क्यों लिखा हुआ है, स्किन लाइफ, कहीं सईद गनी क्यों नहीं लिखा हुआ, या शायद ये जो लोगो है ना ये है सईद गनी का, आई थिंक सो, पता नहीं, डाउट है मुझे, लेकिन खैर वहीं से मिल रहा था तो सईद गनी का ही होगा। तो सीरम लगा लिया मैंने, अब मैं लगाती हूँ ये आई क्रीम, और उसके बाद मैं अच्छे से जो है ना इसको मसाज करूँगी, और बस इसके बाद मैं लगाऊंगी ये सिरावे का लोशन। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, उससे मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।